तो यार अगर आप भी चाहते हो कि आप अपना फ्री फायर आईडी बनाओ इंडोनेशिया सर्वर में, तो यार ये वीडियो आप ही के लिए है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे जो आप इंडोनेशिया सर्वर में अपना फ्री फायर आईडी को बना सकते हैं, वो भी विदाउट वीपीएन। यार यहाँ पे कोई भी वीपीएन ऐप डाउनलोड करने का जरूरत नहीं है आपको, एकदम इजी मेथड से बताने वाला हूँ मैं आप लोगों को। तो वीडियो को जो है पूरा एंड तक जरूर देखना, स्किप मत करना यार, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। बहुत आसान तरीके से मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो यार मैं हिमांशु और आप देख रहे हैं टेक्निकल एचसी। तो यार अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि यार हमारे चैनल पे इसी तरीके के फ्री फायर से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोस आते रहती है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यार अभी आप लोग देख सकते हो मैं जो अपने गेम में हूँ, और ये मेरा मेन अकाउंट है यार, मेरा जो ओरिजिनल अकाउंट इंडिया सर्वर वाला जिसमें मैं गेम खेलता हूँ। तो आपको करना कुछ नहीं है, सबसे पहले तो आपको गेम की सेटिंग्स में चले जाना है। गेम के सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे जो लैंग्वेज वाला ऑप्शन दिखता है, आपको जो इसे इंग्लिश से चेंज करके इसे जो आपको इंडोनेशिया में कर देना है। इंडोनेशिया में करने के बाद आपको यहाँ पे जो है ओके पे क्लिक कर देना है, और ये कंफर्म करने के लिए बोलेगा यार, और ये बोलेगा कि चेंजेस विल बी अप्लाइड आफ्टर योर रिस्टार्ट द गेम, मतलब रिस्टार्ट करने के बाद ये सब चेंज होगा, मतलब नेम चेंज होगा, मतलब लैंग्वेज। तो आपको जो यहाँ पे कंफर्म में क्लिक कर देना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे लैंग्वेज जो है इंडोनेशिया यहाँ पे हो चुका है, लेकिन अभी सब कुछ इंग्लिश में ही दिख रहा है, क्योंकि यार अभी हमारा गेम रिस्टार्ट हुआ नहीं है। तो आपको करना ये है कि आपको जो अपना गेम को अब एकदम काट देना है, और फोन में से जो है मिनिमाइज वाला ट्रे से भी आपको हटा देना है, मतलब मिनिमाइज करके रखते हो ना उसको, वहां से भी हटा देना है आपको गेम को, और गेम को जो है नया से खोलना है। तो मैं अभी अपने गेम को जो यहाँ पे कट कर लेता हूँ और नया से खोल लेता हूँ। तो यार मैंने जो है अपना गेम को यहाँ पे कट कर लिया था, और अभी जो है मैं फिर से गेम को खोल रहा हूँ, यहाँ पे देखते हैं कि लैंग्वेज चेंज हुआ या फिर नहीं हुआ। तो देख सकते हो यार यहाँ पे लैंग्वेज चेंज हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हो अजीबी लिखा रहा है। तो आपको जो है यहाँ पे नीचे में एक लॉगआउट का ऑप्शन दिख रहा है ना, आपको जो यहाँ पे लॉगआउट पे क्लिक करना है, कोना में देखना है यहाँ पे एक लॉगआउट का ऑप्शन दिखता है, इससे आपका जो यहाँ पे मेन अकाउंट जो आपका इंडिया सर्वर का है वो यहाँ पे जो है लॉगआउट हो जाएगा। तो आपको पहले उस अकाउंट पे यहाँ पे लॉगआउट करना होगा। तो यहाँ पे लॉगआउट वाला जो ऑप्शन दिखता है आपको, आपको जो उस लॉगआउट वाले में क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगआउट वाला में क्लिक करोगे आपके सामने ऐसा पेज रहता है लॉगिन पेज, तो आपको जो है ये वाले में क्लिक करना है। भाई पता नहीं ये क्या लिखा रहा है इंडोनेशिया लैंग्वेज में है। तो आपको जो है एक गूगल अकाउंट यहाँ पे चाहिए, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं तीन ऑप्शन है। तो आपको गूगल से जो यहाँ पे लॉगिन कर लेना है, और आपको ऐसा गूगल अकाउंट चूज करना है जिससे आपने यहाँ पे कभी भी अपना फ्री फायर अकाउंट नहीं बनाया होगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास दो जीमेल अकाउंट है, दो जीमेल अकाउंट यहाँ पे डाला हुआ है मेरे डिवाइस में, और उसमें से यार पहला वाला जो अकाउंट है वो मेरा ओरिजिनल है, मेरा इंडिया सर्वर वाला अकाउंट उससे बना हुआ है ऑलरेडी। तो आपको जो है ऐसा गूगल अकाउंट यहाँ पे यूज करना है जिससे आप अभी तक आज तक फ्री फायर में लॉगिन नहीं किए होंगे। जो गूगल अकाउंट से आपका आईडी आज तक कभी आप नहीं बनाए हो फ्री फायर में, वैसा गूगल अकाउंट आपको चाहिए होगा। और गूगल अकाउंट वैसा आपके पास नहीं है यार, तो ऐड अनदर अकाउंट करना और यहाँ पे क्रिएट अकाउंट कर लेना। एक गूगल अकाउंट क्रिएट करना कोई भी बड़ी बात नहीं है यार, और अगर आपको नहीं आता है तो आप यूट्यूब में सर्च करना हाउ टू क्रिएट जीमेल अकाउंट, आपको वीडियो मिल जाएगा, बहुत आसान तरीके से आप नया जीमेल बना सकते हो। और आपके पास अगर ऑलरेडी ऐसा कोई जीमेल अकाउंट है जिससे आपने आज तक कभी फ्री फायर में लॉगिन नहीं किया, तो वो जीमेल यहाँ पे चलेगा। तो मेरे पास ये वाला जो सेकंड जीमेल आप लोग देख रहे हो ना, इससे मैं आज तक कभी यहाँ पे अपना फ्री फायर लॉगिन नहीं किया हूँ। तो मैं जो है इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ, तो आपको भी यहाँ पे जो है फ्रेश जीमेल अकाउंट यहाँ पे रखना है। उसके बाद यहाँ पे एक बार स्क्रीन में टच कर देना है, पता नहीं यार क्या क्या लिखा रहा है यहाँ पे इंडोनेशिया सर्वर में, मतलब इंडोनेशिया लैंग्वेज में। तो यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे कुछ कुछ पूछा जा रहा है, तो आप बिगनर कर सकते हो। चलो यार मैं जो यहाँ पे बिगनर कर देता हूँ, और यहाँ पे इस जो ऑप्शन है शायद कंफर्म का है इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। यार लैंग्वेज समझ ही में नहीं आ रहा, इंडोनेशिया मुझे थोड़ी आता है। उसके बाद यार आप अपना यहाँ पे जो भी नाम रखना होगा आप यहाँ पे रख लेना। तो मैं जल्दी से यहाँ पे अपना यहाँ पे नाम रख लेता हूँ, टेक्निकल एचसी हमारे चैनल का ही नाम मैं रख लेता हूँ यहाँ पे। तो देख सकते हो यार मैंने यहाँ पे अपना नाम रख दिया। उसके बाद यहाँ पे इस वाले जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो यार अभी आप यहाँ पे देख सकते हो आपके सामने यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक यहाँ पे इंडिया है और एक यहाँ पे इंडोनेशिया है। तो यहाँ पे यार सारा गेम होने वाला है, तो यहाँ पे अच्छे से समझना। तो आपको जो यहाँ पे इंडिया में नहीं करना है, आपको यहाँ पे इंडोनेशिया में क्लिक करना है। ये पूछ रहा है कि आपको यहाँ पे कौन से सर्वर में अपना अकाउंट बनाना है। अगर आप यहाँ पे इंडिया में कर देते हो और यहाँ पे कंफर्म कर दोगे ना, तो आपका अकाउंट जो है इंडिया सर्वर में बन जाएगा, बस आपका लैंग्वेज जो है इंडोनेशिया दिखेगा। तो आपको जो है इंडोनेशिया सर्वर में बनाना है, तो आपको यहाँ पे जो इंडोनेशिया वाला में क्लिक कर देना है, इंडिया में मत करना यार, नहीं तो इंडिया सर्वर में आपका अकाउंट बन जाएगा। तो आपको जहाँ पे इंडोनेशिया में क्लिक करने के बाद देख सकते हो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे जो है एक लाइन बन चुका है ग्रीन कलर से, मतलब ये यहाँ पे क्लिक हो चुका है। इंडोनेशिया में क्लिक करने के बाद आपको जो ये वाला जो ऑप्शन दिख रहा है ना, शायद ये कंफर्म लिखा हुआ है इंडोनेशिया लैंग्वेज में यार, तो आपको जो इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद फिर से यहाँ पे आपको एक ओके का ऑप्शन आएगा, तो आपको जो यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। तो यार अभी देखते हैं कि हमारा
अकाउंट जो है किस वाले सर्वर में बनाया, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यार। अभी गेम यहाँ पे हमारा लोडिंग ले रहा है, मतलब खुल रहा है, और डायरेक्ट यार ये हमें गेम के अंदर ही डाल दिया। तो मैं जल्दी से यहाँ पे एग्जिट टू लॉबी कर देता हूँ यार, क्योंकि आपको पता ही है कि अगर आप नया अकाउंट बनाते हो तो डायरेक्ट आपको गेम के अंदर मतलब ले जाता है ये। तो देख सकते हैं हमारा लॉबी यहाँ पे आ चुका है। तो सेटिंग्स में मैं जाता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ कौन सा रीजन में अकाउंट बना है। तो आप यहाँ पे कोना में देखो यार, यहाँ पे इंडोनेशिया लिखा रहा है, आप लोग यहाँ पे देख रहे हो अर्थ का आइकन बन रहा है और यहाँ पे इंडोनेशिया लिखा रहा है। इसका मतलब यार हमारा अकाउंट जो है, ये जो हमारा अकाउंट बना ये इंडोनेशिया सर्वर में बना है। तो यार अगर आपका यहाँ पे इंडिया सर्वर का ये अकाउंट रहता तो यहाँ पे इंडिया लिखाता, यहाँ पे इंडोनेशिया लिखा रहा है, मतलब आपका अकाउंट जो है इंडोनेशिया सर्वर में बन चुका है। मैं यहाँ पे जो है स्टोर में जा करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको अलग देखने को मिलेगा यार, क्योंकि इंडोनेशिया सर्वर का अलग रहता है। आप इंडिया वाले से देखना, यहाँ पे अलग अलग सब कुछ आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि मैजिक क्यूब वगैरह मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ, सब मतलब यहाँ पे अलग अलग रहता है यार, काफ़ी डिफरेंस रहता है। तो यार आप लोग देख ही सकते हो यहाँ पे ये सब बंडल दिख रहा है हमें। तो यार आपने देख ही लिया कि हमारा अकाउंट जो है बन चुका है इंडोनेशिया सर्वर में। अब मैं आप लोगों को बता दूं, आपको जो है नेक्स्ट बार इसमें लॉगिन करने के लिए कोई वीपीएन लगाने का जरूरत नहीं है यार। आप जो है डायरेक्टली अगर आप उस वाले जीमेल अकाउंट में क्लिक करोगे तो आप जो अपने इंडोनेशिया वाले सर्वर में पहुंच जाओगे। और आपको वापस इंडिया वाले में जाना है तो गेम को यहां से लॉग आउट करना यार, और वापस इंडिया वाले में चले जाना। और फिर वापस इंडिया वाले में जाने के बाद यार आपको लैंग्वेज चेंज करके इंग्लिश कर देना। और आपको जो है वापस ये वाले सर्वर में आने के लिए आपको वीपीएन वीपीएन लगाने का कोई जरूरत नहीं यार। विदाउट वीपीएन आप जो है डायरेक्टली ये वाला जीमेल अकाउंट, जिससे आप ये वाला सर्वर में अकाउंट बनाए हो वो वाला जीमेल अकाउंट को सेलेक्ट करोगे ना लॉगिन पेज में, तो आप डायरेक्ट अपना इंडोनेशिया सर्वर वाला ये जो अकाउंट बनाया हो इस पे आप पहुंच जाओगे। तो यार वीडियो आपको जरा सा भी पसंद आएगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना यार। तो मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यार बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।